लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। समझ में भी आ रहा है कि खाली हवा में जिराफ की तरह मुंडिया हिला रहे हो। अरे ओ भाई, हेलो भाई यार। हाँ किसका जी, आप कुछ दिनों के लिए इंडिया जा रहे हैं और हमेशा की तरह आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। हाँ, रोज मारना है। आप झाड़ू पोछा हो जाएगा किसका जी। रश्मि किसका जी, हम इस घर को अपना घर समझ के इसका ख्याल रखते। खबरदार खबरदार, जो इस घर को अपना घर समझा, तुम पेइंग गेस्ट थे, पेइंग गेस्ट। इसका मालिक मैं हूँ, सिर्फ मैं। किसका मिगलानी, कौन है इस घर का मालिक? आप मिस्टर किसका मिगलानी जी। थैंक यू जी। और मेरा किराया? यस सर। अभी दे रहे हो क्या? नहीं, मैं तो सिर्फ खुजली करूँ। अरे थुक कतई काड़ा मुंह थिंदुए, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अरे जब हम नहीं सुधरे तो तुम क्या सुधरोगे? देखो मेरे वापस आने तक किराया तैयार रखना। Yes. नहीं तो तुम जानते हो किसका मगरानी किसी का भी नहीं है। अरे ओ भाई, अरे मार जा कुत्ते टैक्सी वाला, छातरी सी मुखे। किसका मगरानी, भगवान करे अब तू नहीं तेरे मरने की खबर आ जाए। Hey guys, good morning, good afternoon. कैसे हैं? चीचा। और कहाँ है आपका भूल भुलैया? कहाँ है बल्लू सिंह? बल्लू 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 बल्लू। एक्टर है बल्लू सिंह। लेट आने द आज द कीरी इधर है। सर, सॉरी सर, मैं जरा बाल कटवाने चला गया था। बाल कटवाने गया था? वो भी नौकरी के टाइम पे। आप सर हो गए भी तो नौकरी के टाइम पे ही थे ना सर। सर माफ कर दो ना, गलतियों को ना माफ। तो गलती मुझसे हुई है यार, मैं तो जैसे बेवकूफ लेट लेती काम छोड़ो नौकरी पे रखिया। देखा सर, गलती आपसे हुई और अब नौकरी से मुझे निकाल रहे। मैं अपनी गलती सुधार रहा हूँ, समझे? ये कोई उम्र है सुधारने की? दफा हो जा, मैं पागल जाऊंगा यार। सर एक तो होटल ठंडा, धंधा मंदा, ऊपर से तू जलील बंदा। धंधा तो मंदा होगा ही ना सर। ये देखिए, ये बाबा आदम के जमाने की पुरानी घटिया बोरिंग सी रेसिपीज दे रहे हैं आप कस्टमर्स को। मैं कब से आपसे कह रहा हूँ कि मैं कुछ नया पकाता हूँ, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, तो मना कर रहे हैं। तेरे माँ बाप ने भी अच्छी एक्सपेरिमेंट की है। अच्छा, उसका रिजल्ट ये है। सर अभी आप पर्सनल हो रहे हैं, मेरा इंसल्ट कर रहे हैं। तो अभी तक क्या मैं तेरे को राष्ट्रपति सम्मान दे रहा था, पद्म भूषण दे रहा था? एक लास्ट चांस ठीक है, लास्ट वार्निंग, ठीक है ना? अब कपड़े टाइम पे ले आना, ठीक है? कपड़े लॉन्ड्री वाले यार,
चेन क्या खींचता है? ट्रेन में खड़ा है तू? ट्रेन में खड़ा है? सर, मैं यहाँ पे कुक हूँ। ओ ठीक है, तो लेट तो आता है ना? सर, सर। स्वादी खाना, नमस्ते इंडिया। हेलो, क्या मैं मिस्टर भावेश से बात कर सकती हूँ? ठीक है, हाँ जी, आप बोल रहा हूँ। मिस्टर भावेश, मेरी .com से बोल रही हूँ। हाँ बोलिए। कुछ दिनों पहले आपने हमारे थ्रू ग्रैंड हयात में शेफ के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दिया था। हाँ दिया था। कंग्रेचुलेशन मिस्टर भावेश, आपको नौकरी मिल गई है। मिल गई? क्या बात है, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट कल से आप जॉब ज्वाइन भी कर सकते हैं। कल से? जी हाँ। ओके मैं आ जाता हूँ। अरे कोई मेरे को बताएगा मैं बाजार किस लिए जा रहा हूँ यार? काली मेरी, क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? मैं घटिया कुकू। 7-star होटल में नौकरी मिली है मुझे, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट पर, समझा क्या? है अपनी पहली सैलरी से एक मिर्ची का पैकेट खरीद कर तुझे लाके दे दूंगा। उसका क्या करना है तुझे पता है? क्या करना है? पिछवाड़े में लगाना। लात मारता है भावेश वर्मा तुझे और तेरे 2% की नौकरी को, समझा? हेलो, स्वादिका, नमस्ते इंडिया। हेलो, मिस्टर भावेश है? हाँ बोल रहा हूँ, बोलिए। Manly.com से बोल रही हूँ। मैडम, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। सुन बंगलू, आप बोलिए मैडम, बोलिए। मिस्टर भावेश मकवाना, मुझे आपको इन्फॉर्म करना है। मैडम, मकवाना नहीं, सिसोडिया वर्मा। हाँ जी, वर्मा जी। हाँ मैडम, भावेश वर्मा, प्लीज मेक द नेसेसरी करेक्शन। भावेश वर्मा? हाँ। आपका नाम भावेश मकवाना नहीं है? नहीं। Then I'm sorry, ये नौकरी तो भावेश मकवाना को मिली है। Sorry for the misunderstanding. अरे मिस, मिस please understand, please understand. देखिए बब। This is a powerful car only for powerful people. आपकी जैसे tough personality के अलावा किसी के हाथ में मैं steering wheel देख ही नहीं सकता. This is a smooth ride only for the young generation. किसी बूढ़े खुजर आदमी के हाथ में ये steering wheel मैं imagine नहीं कर सकता. Trust me. Yeah, but 25 lakh baht. It's a big price. Price? कीमत की परवाह आप जैसे perfect और experienced लोग कहाँ करते हैं sir? Sir, don't mind. लेकिन अगर मैं salesman नहीं होता और आपका बेटा होता तो कहता कि dad, buy it for mom. क्योंकि उनकी तरह ये गाड़ी भी आपका जिंदगी भर साथ देगी। Trust me, अगर मैं सेल्समैन नहीं होता और आपका बॉयफ्रेंड होता तो ये गाड़ी खरीदने पर सिर्फ एक ही बात कहता, that yes, you're a beauty, but with brains. Trust me. Well, क्या चलेगा, चेक या कैश? Well, अगर चेक है तो कैश होने तक, अगर कैश है तो चेक करके। Trust me. अरे भाई, मुगले आजम लिख रहा है क्या? क्या? 4 लाइनें लिखने के लिए 4 हफ्ते लगाएगा क्या? लिख तो लिया। सुना भाई। सुन, एंकर कहता है, वेलकम दोस्तों, चांद की रोशनी जैसा, सितारों की सैर जैसा, बकरे की खैर जैसा, परियों के पैर जैसा, पेश है आज का हमारा ये एपिसोड टाइम के फेर जैसा। और कीड़े की मौत मरेगा राइटर तेरे जैसा। अबे ओ फ्रस्ट्रेटेड राइटर, ये बड़ा 30 मार्क का समझता ना अपने आप को, तो बता अगर तू मेरी जगह लिखता तो क्या लिखता? देख, शायर का इंट्रोडक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली एक शेर से शुरुआत होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहते हुए हैं आंसू, रिश्ते हुए हैं घाव, नोके कलम से मरहम उन पर लगा रहा हूँ। इट्स ओनली वर्ड्स एंड वर्ड्स आर ऑल आई हैव टू टेक योर हार्ट्स अवे। एंड टू टेक योर हार्ट्स अवे, आज हमारे स्टूडियो में है एक ऐसी शख्सियत जिनके अल्फाजों ने हर मेरे वर्ड्स कट करके बोल रहा है यार। वंडरफुल लाइंस, क्या लिखा है? लकी है पेपर, ये लेतलों दे पेपर, इतना लिखा है कि तुम मुझे लेतलों बेचने की परमिशन दे ले हो। क्या? Yes, my dear Bladel, ये रेस्टोरेंट बेच कर मैं अपने हिस्से के पैसे वसूल कर लूंगा। और रेस्टोरेंट बेच दूं? हैं जी, ये रेस्टोरेंट बेच दूं, अपने बाबूजी का सपना बेच दूं, और भी तुझ जैसे आवारा अय्याश नलायक के लिए बेच दूं। मैं भी उस बाप का उतना ही बेटा हूँ जितना तुम उसके बेटे हो। इस रेस्टोरेंट पर मेरा पूरा हक बनता है। हक? हक की बात वो करते हैं जो अपना फर्ज पूरा करते हैं, और तूने बेटे वाला कौन सा फर्ज निभाया है?
अपने हिस्से के सारे पैसे याशी में उड़ा दिए और ले दे के ये रेस्टोरेंट बचाया है बाबूजी की आखिरी निशानी, वो भी खाना चाहते हो? कान खोल के सुन, इस रेस्टोरेंट की एक इंट भी नहीं बिके की एक इंट एक ईंट खरीदे ना तोड़ अरे बीते था तो पुला था पुला ले तो लौट दे तुम्हारे चीजें भी तुम्हारे मलने के बाद एक हफ्ते की मोहलत देता हूँ अगर ये लेतलान बेके मेले हिते ते पैसे नहीं मिले ना तो तुम तो मेला पावल डालते हो ना ओए रानी वाला वाला सिंह जी कैसे खाने पीने में मिलेगा बहुत भूख लगी है वाला सिंह जी सब ठीक ठाक है ना हाँ इंस्पेक्टर सब ठीक ठाक है मैं इनका तोता भाई लोनी 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 नहीं लोनी लोनी रोनी भाई रोनी कहने की कोशिश कर रहे हैं तो तीस नहीं तेला हूँ मेरा नाम लोनी है और ये चाकू ये चाकू तो हमारे पिताजी की असली निशानी है बाबरती थे प्यार दमातली नहीं चाकू ते ताते थे है ना भैया मैं जाता हूँ अगले हफ्ते आऊँगा मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं काम चाहिए कामचोर सबको फ्री की सैलरी चाहिए यहाँ पर जाओ जाकर वीकली सेल्स रिपोर्ट कंप्लीट करके लाओ जाओ गेट लॉस्ट अबे हंसता क्या है ट्रस्ट मी अब तेरी बारी है हाय गुड मॉर्निंग वाओ यू आर लुकिंग वेरी प्रीटी टुडे कितनी बार कहा है मेरे सामने सीधे खड़ा रहा करो आई हेट दिस आर्टिफिशियल बॉडी लैंग्वेज ऑफ योर्स सॉरी मैम सुनाज फिर तुम लेता है Switch that bloody thing off. Yes, ma'am. और अब तो मेरे सर पे खड़े रहोगे कि बैठोगे भी? Thank you. मैम आपने ये नहीं सुना कि आज मैंने दो गाड़ियाँ भी बेची हैं? सुना है. Good. ये तो मेरा काम है. Female customers के साथ flirt करना, अपने आप को किसी film hero से कम नहीं समझना, ये काम है ना तुम्हारा? This is your full time job. वो काम तो मैं फ्री में करता हूँ मैम आई एम सॉरी मैं तो स्विच दैट ब्लडी थिंग ऑफ आपका बज रहा है मैम मैम आई डिडंट मीन इट डोंट टेक मी रॉन्ग मैं तो बस मौके का फायदा उठा रहा था गाड़ी बिके या ना बिके लड़की को तो मैं फंसा ही लूंगा राइट ये मेरी ऑफिस है and I'm more concerned about my reputation than I am about my profits. You get it? But ये मेरी तुम्हें आखिरी वार्निंग है. I do not want any roadside Romeos here. I need a serious salesman. Understand? मैम, अब की you! मैम, but मैम. I said get out. Okay, बस हो गया, बहुत हो गया. It's enough. I can't. मैं खुद नौकरी छोड़कर जा रहा हूँ मैं खुद आपके जैसे बदतमीज और घमंडी लड़की के साथ काम कर ही नहीं सकता What? Yes, ma'am. You are sick. आप पागल है You're crack. मैम जिंदगी एक एको साउंड की तरह होती है इससे जिस तरह सवाल पूछा जाए ना उस तरह मुड़कर जवाब भी मिल जाता है इस नफरत के दायरे से प्लीज निकलिए और जिंदगी को सांस लेने का मौका दीजिए प्लीज जस्ट रिलैक्स गो इजी ऑन योरसेल्फ और वो राजन मेरी लाइन लेके दूसरों को देता रहता है वो तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं उसके राइटिंग का लेवल क्या है अरे तो तुमको उसके राइटिंग का लेवल मालूम है तो तुम तुमको उसके राइटिंग का लेवल पता है तो तुम कुछ करते क्यों नहीं कैसे कुछ करो तुम्हें मालूम है राजन चैनल हेड की रिकमेंडेशन है और ऊपर से अप्पा कहाँ जा रहे हो अप्पा की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है तुम मेरे कैबिन में अकेले नहीं आ सकते ओके तो मैं अकेले कहूँ मेरे साथ मेरे जज्बात हैं लेट्स गो क्या हुआ फट गई क्या पराग तुम भी ना अब आ जाएंगे चलो तुम शो के कॉस्ट्यूम्स अंदर है वो पहनो सीमा ओपन द डोर अब आई से ओपन द डोर ये किस किस्म का आदमी हमेशा गलत वक्त पे सही जगह पे टपक पड़ता है किधर है वो रास्कल पराग किधर है छोड़ेगा नहीं पराग कौन पराग ओ पराग वो तो यहाँ नहीं आया आया इधर आया मेरे को मालूम से
सिक्योरिटी वाला मेरे को बोला उसको छोड़ेगा नहीं पराग। अप्पा बिलीव मी, आई एम योर ओन ब्लड। इसीलिए तो बिलीव नहीं होता, वो रास्कल इधर ही होगा, जिधर इधर भी होगा हम उसको ढूंढेगा और उसका सांभर बनाएगा। Hello? Yes? Merlo Insurance Company. No, I don't need life insurance, thank you. Bolo. Rascal! Rascal! देखो आई एम ऑल राइट, और तुम है ना जरा जरा सी बात पर रोना शुरू कर देती हो। एटलीस्ट आज रिलैक्स करो, यू नो आई एम लीविंग राइट। सॉरी, कितने बजे की फ्लाइट है? 2 बजे की फ्लाइट। व्हाट अबाउट यू, तुम कब आ रही हो पटाया? जॉइनिंग डेट कल कंफर्म होगी। तुम्हारा जॉब तो कंफर्म है, मेरा भी जॉब कंफर्म हो जाता ना तो लाइफ इज सेट। अच्छा सुनो, पटाया में जाकर लड़कियां वर्कियां को पटाने बटाने में मत लग जाना। अर्पिता, you know me, I'm a God fearing person. बुरे कर्म और मैं never. अच्छे कर्म करूंगा तो तुम्हारे साथ रहूंगा, बुरे कर्म करूंगा तो नरक जाऊंगा। नरक? अर्पिता baby, I was just joking. Cheer up. Listen, I have to go right now. Okay. पटाया में रहोगे कहाँ? परीक्षित है ना मेरा कजिन, फ्लाइट ली पटाया सीधा उसके बंगलों पर। मिस्टर सिंह नो, अरे नौकरी गई तो गई, आई डोंट इवन केयर। ये आरती मैं अपने आपको समझती क्या है? अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं? मिस्टर सिंह आई विल कॉल यू बैक। परीक्षित बेटा, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख और इस काम में लपेटे मिले। भावे कहाँ था तू? भावेश कहाँ था तू? I was really missing you यार। क्यों? क्यों मतलब एक दोस्त दूसरे दोस्त को मिस नहीं कर सकता है क्या? I mean, they're best friends यार, they're like brothers. You don't believe in brotherhood? क्या बकवास कर रहा है तू, ठीक है ना? Actually, I was just thinking about us. Us? Us मतलब हम तीन दोस्त यार, हम तीन दोस्त, हम लोग में से you know अगर किसी को कभी भी खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाए, कोई भी करामत आ जाए, अगर कोई जैसे for example चल तेरी तेरी नौकरी चली जाए, इसे कैसे पता चला कि मेरी नौकरी चली गई? तू बेरोजगार हो जाए, खर्चे पानी का लफड़ा हो जाए, खाने के वांदे हो, तू नंगा घूम रहा हो, कौन करेगा तुझे सपोर्ट? कौन? कौन? मैं हूँ ना, तेरा दोस्त, तेरा यार, तेरा ब्रदर, ब्रदरहुड, सच। नेचुरली यार, अभी देखना, छोड़ना। अब मान ले मेरी नौकरी चली गई। शुभ शुभ बोल, शुभ शुभ बोल। मान ले यार। अरे चल ठीक, अगर मैं बेरोजगार हो गया तो तू मेरी सपोर्ट करेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स यार, पूछने वाली बात है दोस्तों यार। बस मन हल्का हो गया। हाँ यार, मेरा भी, तुझसे कुछ बात करनी थी, मुझे भी। मेरी नौकरी चली गई। मेरी भी। क्या यार, कितना मिस कर रहा था तुम लोगों को मैं यार। Actually, I was just thinking about us, you know, us three friends. Hum teen dost. We are like brothers, man, brothers. What? You guys don't believe in brotherhood? Nahi, agar you know, hum teenon mein se kisi ek par khuda na khasta, God forbid, koi qayamat aa jaye. Jaise first karo ke tum dono ki naukri chali jaye. Chali gayi. अब नई नौकरी मिलने तक खर्चा पानी कहाँ से चलेगा? नो वरी, मेरी कुछ सेविंग्स है, कुछ दिनों तक उसी से काम चला लेंगे। ए नहीं यार, तूने वो पैसे इंडिया भेजने के लिए रखे, अपने फैमिली के लिए।
तो तुम लोग मेरी फैमिली नहीं हो क्या? बकवास कर रहा है। चल यार, देख बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेट्स गो एंड लुक फॉर सम न्यू जॉब्स, ऑलराइट? यस, एंड लेट्स नॉट ब्लो द जॉब्स दिस टाइम। चल खर्चे पाने तक तो ठीक है, पर उसका क्या? किसका? एग्जैक्टली उसी का। किसका मिगलानी आते ही सवाल करेगा, ये घर का मालिक कौन है? किसका? आहा, किसका मिगल? मतलब मिमिक्री नहीं होती है। भाड़ा कौन देगा उसका? ये तब की तब सोचेंगे यार, अब पहले ये जॉब की प्रॉब्लम सॉल्व कर देते और भगवान से दुआ करते हैं कि अब कोई नई प्रॉब्लम उड़ के ना आ जाए। हेलो 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 हेलो, सवादी खाब। सवादी खाब। अच्छा आप यही जा रहे हैं ना? हाँ। आप बता सकते हैं इस घर का मालिक कौन है? किसका? इस घर का। किसका? अरे ये जो सामने घर है ना, उस घर का मालिक कौन है? किसका? मैं जाऊँ मुझे। कहाँ जा रहे हो तुम? अंदर। अंदर कहाँ जा रहे हो? घर में। बस उसी घर की बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है? किसका? ओके, ये क्या है? एंट्रेंस। उसके आगे क्या है? पोर्च। उसके आगे क्या है? घर। बस इसी घर की तो बात कर रहा हूँ कि इस घर का मालिक कौन है? किसका? दिखाई नहीं दे रहा ये घर। कौन है भाई, क्या कर रहा है? थैंक गॉड भाई साहब आप आ गए। भेजा फ्राई करके रख दिया था इस आदमी ने। एक छोटा सा सवाल पूछा था, देखिए क्या हालत कर दी मेरी। आप आगे आप ही बता दीजिए कि ये किसका घर है? किसका घर? हिंदी ठीक कीजिए भाई साहब, किसका का नहीं होता है, पूछिए किसका। अरे मैं क्यों पूछूं किसका, मैं बता रहा हूँ ना किसका का। इस घर का, इस घर का, इस घर का। बे क्या? मालिक कौन है? किसका? जानता है तू? तू आने के पहले फोन नहीं कर सकता था? फोन नहीं कर सकता था? इतनी बार फोन लगाया, तेरा फोन लगता ही नहीं है। अच्छा चल ठीक है, अब तू आ ही गया तो मिलते रहना। चीज मिलते रहना? अरे मैं यही रहने आया हूँ। तू कहाँ रहने आया? तुम्हारे साथ। कोई प्रॉब्लम है? नहीं देख जयेश मेरे भाई, वो किसका मिगलानी है ना, इस घर का मालिक, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा खड़ूस और सबसे बड़ा घटिया आदमी है, वही प्रॉब्लम है। अबे इतनी प्रॉब्लम है तो ये घर को छोड़ क्यों नहीं देते? देख भाई चतुर सिंह चतुर्वेदी, ये पटाया है पटाया। यहाँ पे छोकरी मिलना आसान है, घर और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। एडवांस रेंट और डिपॉजिट देने की हमारी हैसियत नहीं। ये जो किसका मिगलानी है ना, इसने ना डिपॉजिट लिया ना एडवांस रेंट लिया, हमें ये घर दे दिया। तो कुछ तो झेलना पड़ेगा ना भाई। करेक्ट। देखो मुझे जॉब के साथ फ्लैट भी मिलने वाला है, अगर जॉब लग जाती है तो तुम लोग मेरे साथ रह सकते हो। पाप है, और जो पाप करता है वो नरक में जाता है। ये शराब थोड़ी है, तो शरबत है यार। हाँ, शाओलिन तंबू बैंकॉक बंबू। ओह दिस इज बैम्बू जूस, वो पी सकता हूँ मैं। बंबू। ठीक है, मैं ठीक तरह पीछे रहूँ और जो मैं बोलूँ तो वही लड़की के सामने रिपीट करना, समझा? लेकिन मुझे मिलेगी, ट्रस्ट मी। ओके। हाय बो। हाय। हेलो। नाम बोलो। आई एम भवेश। भवेश। हेलो, आई एम रिया। बहुत खूबसूरत है आप। बहुत खूबसूरत है। क्यों? बाल जैसे लहराते संगीत के सुर। आपके बाल जैसे लहराते संगीत के सुर। आँख जैसे स्टीमिंग हॉट ब्लैक कॉफी। आपकी आँख जैसे स्टीमिंग हॉट ब्लैक कॉफी।
होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। आपके होंठ जैसे यमी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। रेट क्या है आपका? रेट क्या है? कितना प्यार करता है तू। अगर वो किसका यहाँ होता ना तो ये तो उसकी। अबे वो यहाँ क्या आएगा? फट्टू है साला। हैं? करेक्ट। वो तो उसको बर्दाश्त कर रहा हूँ घर के चक्कर में आके, वरना तो और दिया होता नारियल की तरह सॉलिड। इतने भी बुरे नहीं है हमारे किसका जी। बुरे क्या, सूर्य घूमने को दिल करता हूँ काफी टुकड़े में नहीं। सही बोला तू, सही बोला तू, एकदम कमीना टाइप का इंसान है वो साला किसका। तो नाम नाम देखा उसका? किसका मिगलानी।
माँ ने सवाल पैदा किया और छोड़ दिया दुनिया में। साले को हमसे फोन पे बात करनी होती है तो हमको मिस कॉल देता है ताकि हम उसे वापस फोन लगाए और उसकी बकवास सुनने के पैसे भी हम करे। नहीं बोल रहे हो तुम लोग यार, कंट्रोल योर इमोशंस, कंट्रोल योर इमोशंस। तेरे को क्यों लूज मोशन हो रहा है? अभी तो कितना फैल रहा था। काट दूंगा, मार दूंगा, मार के नरक चला जाऊंगा, वाट लगा दूंगा। वाट नहीं रे, वाट वाट। बस कर यार भावेश, तू बस कर। अबे बस नहीं, हंस हंस, छोड़ा देख के हंस। अच्छा पोस मार और बोला बोला और बोला बोला। उल्लू के पट्टे, गधे के बच्चे, हम लोग हैं। हम लोग क्या बच्चे? हम लोग किसका जी को पहचान नहीं पाए। किसका जी? अबे वो भिखारी के नाम के आगे जी लगा के इज्जत की बेइज्जती क्यों कर रहा है? तेरे को बोलता हूँ पराग, एक बार अपने रहने का परमानेंट ठिकाना हो गया ना, किसका के माँ की। अरे इतना महान सवाल पैदा करने वाली माँ कोई मामूली माँ होगी? कब कब आए किसके जी? बताया भी नहीं, एक मिस्ड कॉल ही दे देते। साला तुम लोगों को कितनी बार बोला है, इतना मत पियो मत पियो, लेकिन नहीं। वन फॉर द रोड, वन ऑन द रोड, वन ब्लडी अंडर द रोड। ये आ गए ना रोड पे हम लोग। पहले तो सिर्फ नौकरी गई थी, अब साला घर भी गया। अबे तो हम लोग क्या बोल रहा है, इसको बोलना इसकी वजह से हुआ है सब कुछ, इसके आने की खुशी मना रहे थे ना हम लोग। अबे मैं क्या 14 साल के बाद पहला बच्चा पैदा हुआ तेरे घर पे जो मेरे आने की खुशी मना रहा था? मेरे को सपना आता है किसका की फ्लाइट कैंसिल हो जाएगी और वापस आ जाएगा। बात करता है, सवाल ये है कि हम लोग रहेंगे कहाँ? अच्छा अच्छा, अब डोंट स्ट्रेस आउट यार, रहने दो। दो दिन में जयेश की नौकरी लग जाएगी और हम लोगों का घर भी हो जाएगा, है ना? हाँ यार। दो दिन के बाद तो इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद नौकरी और नौकरी के बाद फ्लैट, मतलब कम से कम 20-25 दिन लग जाएंगे। अबे क्या बात कर रहा है यार? देखो देखो, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, हम लोग सब मिलके कंट्रीब्यूट करके डिपॉजिट इकट्ठा करते हैं ताकि हम छोटा सा रूम रेंट पे ले सकें। मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ये ले। ये मेरा। ओए ये तो कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली, हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या? क्योंकि आधा से ज्यादा पैसा हमें घर भेजना पड़ता है और जितना बाकी बचता है उसमें हम थोड़ी सी जिंदगी जी लेते हैं। इन शॉर्ट नथिंग। छोड़ यार, तू भी क्या सीरियस हो गया? कॉलेज से लेके आज तक हमने अपने जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव साथ में फेस किए, आज अगर टाइम हम लोगों के साथ नहीं है तो क्या हुआ? हम लोग तो एक दूसरे के साथ हैं, इस प्रॉब्लम को भी साथ में फेस कर लेंगे। तालियां। ओके, अभी सिर्फ एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, एक ऐसा घर हमको मिल जाए जिसमें डिपॉजिट का झंझट भी ना हो और रेंट भी अपने बजट में, और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर, वरना फुटपाथ पे सोना पड़ेगा। हां, एंड व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गो फॉर इट। व्हाट द हेल, लेट्स ब्लडी गो फॉर इट। चल यार, लेट्स गो। हम लोग घर ढूंढने जा रहे हैं हॉकी मैच खेलने। अबे यार सेम थिंग। इनकम है कम, ऊपर से कमरा है गुलसुन, साहेबा सुन इस दिल की धुन, देता है दिल टेंशन फुल, मिल जाए रहने की हमको जगह, पॉकेट में मिलती है हमको सजा, मिल जाए रहने की हमको जगह, पॉकेट में मिलती है हमको सजा। सपने तो लाए हैं लेकिन पराए हैं एडवांस रेंट भर। हाँ परीक्षित, कुछ बात बनी? नहीं मिस्टर सिंह, कहीं बजट है तो जगह नहीं है, कहीं जगह है तो बजट नहीं है। कुछ दिनों पहले वो 99acre.com पर मैंने कुछ पेइंग गेस्ट की रिक्वायरमेंट देखी थी, वहाँ ट्राई कर ले, शायद तेरी बात बन जाए। ओके, एड्रेस?
याद रखो। बैठो। हाँ बताओ जी क्या बात है। बलू जी हमें आपका कमरा किराए पर चाहिए। हम अपना पर्सनल कमरा क्यों किराए पर देते भाई? हम तो वही कमरा देंगे जो किराए के लिए रखा हुआ है। हम वही कमरे के बारे में बात कर रहे हैं। अरे तो आम बोलो ना। आम? पर संतरे के सीजन में आम क्यों बोले? अरे आम मतलब ऐसा बोलो। देखिए भाई साहब, हमने पहले से ही सोच के रखा है कि वो कमरा हम लोग सिर्फ मैंगो मैन को ही देंगे। मैंगो मैन? ओए आम आदमी। एक ही बात है ना, इनको नहीं पता ना। चलिए भाई साहब जल्दी हमें अपना इन्फेक्शन दे दीजिए। इन्फेक्शन? ओए इंट्रोडक्शन है। एक ही बात है, इनको नहीं पता ना। मैं हूँ परीक्षित पांडे और ये है मेरा भाई जयेश ठाकुर। अच्छा बताइए आपको हमारा घर कैसा लगा? It's beautiful and fantastic. Very well maintained. पूरा घर एसी है। Wow. पूरा घर एसी। सर्दियों में बहुत सर्दी और गर्मियों में बहुत गर्मी। एसी क्या होता है? एसी का मतलब एयर कंडीशन नहीं, एसी का मतलब अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। बल्लू जी, हाँ जी, अब जरा अपनी शर्तें बता दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, पहली शर्त यह है घर का किराया होगा 20,000 बात और आप हमको कोई डिपॉजिट एडवांस देने की कोशिश नहीं करेंगे। बोलो मंजूर है? बिल्कुल। और शर्त नंबर दो, ठीक है, इस घर में दारू पीना, सिगरेट पीना, लेट आना बिल्कुल नहीं चलेगा। ये औरतों वाला घर है। औरतें मतलब? ओ यार मेरी साली स्वीटी की छोटी बहन, वो हमारे साथ रहती है, अभी शहर से बाहर गई हुई है। मंजूर है? आपकी साली है, आप रखे ना रखे हम ना मंजूर करने वाले कौन होते हैं? ओए शर्त मंजूर है कि नहीं? हाँ हाँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बल्लू जी शर्त नंबर तीन बोलिए। शर्त नंबर तीन, आपकी शादी हुई है? नहीं नहीं हमारी शादी नहीं हुई। क्या? देखिए भाई साहब, हम हमारा कमरा सिर्फ कपल को ही देंगे। और टाइम वेस्ट कर देता, मैं इस घर में एक बल और नहीं रुक सकता। और चलो चल चल। बल्लू जी क्या कर रहे हैं आप? ये हमारा घर है। ओए ओए क्या कब्जा कर रहे हो? चल बाहर चल 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 बल्लू जी चल बल्लू शादी हुई है? 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 एक मिनट अभी जयेश भाई ने बोला कि नहीं नहीं हमारी शादी नहीं हुई है। यही तो आपने गलत सुना आपने। इसने कहा हमारी नई नई शादी हुई है। नई नई है ना जयेश? नई नई शादी हुई है, हमको लगाओ नहीं नहीं शादी नहीं हुई है। बालू जी मैं समझ गई, इनकी न्यू वेल्डिंग हुई है। वेल्डिंग? वेल्डिंग जी वेल्डिंग। एक ही बात है ना, इनको नहीं ना पता। तो कल हम शिफ्ट हो जाते हैं दोनों कपल्स यहाँ कर। हाँ जी पक्का। अच्छा ठीक है तो हम चलते हैं, कल सुबह मिलेंगे। टेक केयर स्वीटी जी। आई विल टेक इट। ओके टेक केयर बालू जी। ही विल आल्सो टेक इट एंड यू आल्सो टेक इट। देख अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, साइज ट्राई करना यार प्लीज। ए भाड़ में क्या तू और तेरा घटिया आइडिया, समझा क्या? चला क्या सेक्स चेंज करने को बोल रहा हूँ क्या? मैं ड्रेस चेंज करने को बोल रहा हूँ कुछ दिनों के लिए। हाँ जयेश का फ्लैट हो जाएगा ना तो ये ड्रामा कैंसिल, प्रॉमिस। इसको समझा यार। अबे ये होता है और ये होता है, असली असली होता है, नकली होता है, दो मिनट में पकड़े जाएंगे। वही तो मैं बोल रहा हूँ, उन लोग नहीं पहचानेंगे। मैं उनसे मिल के आ रहा हूँ, बिल्कुल डफर है दोनों और लगते भी है। यार उन दोनों को कुछ दिनों के लिए उल्लू बनाना बहुत आसान है। कम ऑन साइज ट्राई करो, ये दोनों ड्रेस देख। सुपर, कितना अच्छा लगेगा तुम्हें तो सेक्सी। पर देख बात सुनिए, हम लोग जो कर रहे हैं ना ये बहुत गलत है। मैं जानता हूँ सही नहीं है, लेकिन गलत भी नहीं है क्योंकि हम चोरी नहीं कर रहे हैं, कोई डाका नहीं डाल रहे, किसको ठग रहे नहीं है। उनको पेइंग गेस्ट चाहिए और हम पेइंग गेस्ट बन के जा रहे हैं। ओके ये ओके क्या? मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। गाइस प्लीज, काम नहीं है घर में, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, प्लीज। ओके ओके पेइंग गेस्ट, फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरे प्रॉब्लम का क्या करेंगे? कौन सा प्रॉब्लम? वो प्रॉब्लम। ओह गॉड, तो इसलिए मुझे ये टेरिस पर लाने भेजा था? देख राजा, अभी हम दोनों का इज्जत ना तुम लोग का हाथ में, समझ गया? हाँ, पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ये कमीने उसे लुटवाने वाले हैं। चिंता सारे फिर चैन की बांसुरी बजने दो, रातों की महफिल फिर सजने दो।
श्री भाभी ये है करिश्मा, ये करिश्मा करिश्मा इनका वाइफ इनकी इनकी वाइफ और ये है करीना इनकी वाइफ जयस की वाइफ थोड़ी बड़ी नहीं है वो क्या ना हम दोनों की बचपन में शादी हो गई थी मैं पैदा हो चुकी थी और ये पैदा ठीक से नहीं हुई थी लेकिन शादी ठीक ठाक हो गई थी अब ये ऐसे रह गए और मैं ऐसे हो गई ओए स्वीटी ये केड़ी कंपनी की टी बैग हैगी यार ना इसका कोई कलर है ना कोई टेस्ट है अजीब सी बू आंदी है हाँ, ये क्या कर रहे हो आप बल्लू जी ये टी बैग नहीं है मेरे बाबा की तावीज है वो तावीज किधर रख देती तू यार वो आप भी चलो इधर आइए इनसे मिलिए ये है बल्लू जी मेरे हस्बैंड आ जा जा बल्लू जी ये मेरी स्वीटहार्ट है चेक इट आउट नाइस सोनी लग दी है आपको इतनी अच्छी लगती है तो हम इसको आपके पास ही छोड़ देंगे आप डिटेल में देखिए मैग्नीफाइंग ग्लास कुत्ते कुत्ते की कुत्ते कुत्ते हमारे कमरे कुत्ते कमरे कमरे तो उठे 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 चलो 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 सुकी हाँ मैंने लगता है जो करिश्मा है ना वो किसी की तरह लगती है बल्लू जी आपको ताबीज और टी बैग एक जैसी लगती है और बोलते हो करिश्मा किसी की तरह लगती है मुझे आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं लगता है मुझे पता है मैं तुझे यही जगह मिली थी पेइंग गेस्ट बनने के लिए अरे प्रॉब्लम क्या हुआ क्या यार यार वो बल्लू सिंह वही बंदा है जिसके यहाँ मैं पहले काम करता था लात मार के निकाला था उसने मुझे क्या मैंने कहा था ना हम लोग सब नरक में जाएंगे चलो चलो यार तू रुक जा जयेश और भाईश तू सुन ना यार अगर उस बल्लू को तुझे पहचानना होता तो अब तक पहचान लिया होता उसने कुछ दिनों की बात है कुछ नहीं होगा ट्रस्ट मी एक नॉर्मल लड़के की लाइफ जीने में तुम्हें क्या मुश्किल होती है क्या पूछेगा वो रास्कल पर आज इधर आया तो तू बोलेगी नहीं आया इसीलिए मैं पूछेगा नहीं मैं पकड़ेगा उस रास्कल को पकड़ेगा और धोएगा हाँ आज मैं उस रास्कल को छोड़ने वाला नहीं बिलीव मी अप्पा वो यहाँ नहीं है रंब संतोषम ओ रास्कल ताकदिम ताकदिम मैंने कहा था ना वो यहाँ पे नहीं है अप्पा आई एम योर ओन ब्लड अयो रास्कल सीमा मुझे बचाओ ये गुंडा मेरी इज्जत को बिल्कुल खुश इस लेट अयो ऐसा नहीं जी मैं तो
डोंट लिव एनीवेयर। चाकू निकाल के क्या क्या देख लिया इस हवस के पुजारी ने। प्रेस को फोन करो, मीडिया को फोन करो, प्रेस को बुलाओ, राखी सावन को बुलाओ, मैं एक्सपोज करूंगी। मैं इसे एक्सपोज करूंगी। करीना, प्लीज स्टॉप इट, ये मेरा अप्पा है। हाँ, अरे मैं इसका अप्पा, मैं तेरा अप्पा, मैं सारी दुनिया का अप्पा, फादर फिगर। कैसा फादर है? चाकू निकाल के फिगर देखता है। अरे I'm sorry, my mistake. अरे misunderstanding, I am sorry. आयो, ये कौन जी? अप्पा, ये करीना है, मेरी friend, script writing के लिए आई थी, अभी जा रही है। हाँ, पुलिस के पास। Good. Police! अम्मा। I am not your अम्मा. Okay, I'm sorry, पर पुलिस को मत बुलाओ जी। क्यों नहीं बुलाऊं? क्योंकि ये मेरा अप्पा है। तो क्या होगा? तुम्हारे अप्पा को मेरी इज्जत से लारा लप्पा करने का कोई अधिकार नहीं, समझे? मेरी इज्जत तुम्हारे अप्पा की इज्जत से बहुत ज्यादा कीमती है। अरे दुनिया वालों ने तो चांद तक को नहीं छोड़ा, तो एक अबला बेसहारा औरत को क्या छोड़ेगी? दुनिया की उंगलियां उस पर उठती रहेंगी और औरत का दम घुटता रहेगा, और मैं ये घुटन सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। नेवर, नॉट, एब्सोल्युटली नेवर। बेइज्जत होने से बेहतर है कि मैं ये सो कॉल्ड इज्जतदार आदमी के चेहरे से शराफत का नकाब उतार के जमाने को दिखा दूं। मिल गया, मेरे को राइटर मिल गया जी। अयो, क्या डायलॉग बोलता, क्या भाषा इस्तेमाल करता जी, कमाल है जी। चांद को उंगली करके बेसहारा औरत का इज्जत उतर गया। वाह वाह, आज से तुम मेरा परमानेंट स्क्रिप्ट राइटर जी। अरे परीक्षित, तू यहाँ कैसे? बस यार, वो अपना ड्यू चेक लेने आया हूँ, चल निकल। वो तो तुम्हें नहीं मिलेगा। ओए, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आरती मैडम ने मना किया है। आरती मैम ने मना किया? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं भी। होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अगर आप ये समझ रही कि मैं आपसे सॉरी बोलने आया हूँ तो आई एम सॉरी। Sorry? I'm sorry. I'm sorry for my bad behavior. And I'm sorry for everything. And I want to thank you. I want to thank you for changing my life. मैं कुछ समझा नहीं। परीक्षित, जिंदगी सबके लिए एक जैसी नहीं होती। मैंने अपनी जिंदगी अपने डैडी के नजरिए से देखी है, और उनके डिवोर्स के बाद मैंने उनको खुद से लड़ते हुए देखा है। मैं भी उन्हीं की तरह बन गई, खुद से नाराज, जिंदगी से नाराज, सब से नाराज। और जब मुझे एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी है, मेरी अपनी जिंदगी, तो मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे इसे अपने तरीके से जीने का पूरा हक है। और जब मैंने ऐसा किया, देन आई रियलाइज्ड कि मैं बिल्कुल घाटे में नहीं रही। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नई जिंदगी की नई सुबह मुबारक हो। और यू लुक मच प्रेटियर लाइक दिस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। सर, मैं वो अपना छोड़ो। क्या सर? इंट्रोडक्शन छोड़ो, मैं जानता हूँ। यू आर आर्किटेक्ट जयेश ठाकुर फ्रॉम इंडिया। तुमने हमारे नए प्लान के लिए डिजाइन भेजे हैं। सर, मेरी डिजाइन देखो। क्या सर? मैंने तुम्हारे डिजाइन देख लिए हैं ईमेल में, दे आर गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। भाई, मैंने तुम्हें एज एन आर्किटेक्ट ही अपॉइंट किया है। थैंक यू सर। अब छोड़ो। क्या सर? मेरा मुंह ताकना छोड़ो और अपना अपॉइंटमेंट लेटर साइन करो। ओके सर, वन मोर थिंग, वो जो कंपनी अपार्टमेंट अलॉट करने वाली है, वो कब तक मिल जाएंगे? छोड़ो। नहीं सर, वो नहीं छोड़ सकता मैं। टेंशन छोड़ो, जैसे पुराना वाला आर्किटेक्ट निकल जाएगा, वो अपार्टमेंट तुम्हारा है। एक 10-15 दिन लगेंगे। ओह एक्सीलेंट सर, थैंक यू वेरी मच सर। छोड़ो। क्या सर? हाँ छोड़ो। और आखिर में इतना कि कितने मिटे, कितने लुटे इस आशिकी में, दिल जले, घर भूखे, जख्म लगे इस आशिकी में, क्यों ना हम भी देखें, थोड़ा मिटकर, थोड़ा लुटकर, क्या मजा है इस आशिकी में। आपसे दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए आपके इस दोस्त रोमियो को दीजिए इजाजत। टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट, स्वादी। कट इट, ओके। आयो, वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट अ स्क्रिप्ट, माइंड ब्लोइंग। आयो, मिस करीना, माय चॉइस, माय राइटर, वेरी गुड, वेरी गुड। Fantastic. आपने मेरे अल्फाजों में चांद डाल दी। जांगिर भाई जरा यहाँ ना, बैटरी चेंज करने की। आया आया। आयो रास्कल। शायद आपको बोल रहे हैं। आप
के भाई। ओ हया, मैंने आज ही नया स्टाइल किया। माई तेरे को छोड़ेगा नहीं रास्कल। स्पेशल पुडिंग, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। हम इसको हम माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। तैयार हो गया अपना चेंग स्पेशल पुडिंग, लेकिन अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। हम इसको पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं है। हम इसको माइक्रोवेव में डाल के पकाएंगे और फिर मिलके खाएंगे। चाकू से डरा रहा है दीदी को? डरा रहा है? ये हम लोग का पर्सनल मामला है। तंदू, तू तो जानता है कि मैं तांबालियों को कितना पसंद करता हूँ। हाँ भाई। तांबाली, आ, हमें तेरा काम तमाम करती हूँ। उपरन? लगता है सिर्फ ऊपर का ही काम करती है ना? ये पपी ले लो। बैड मैनर्स। स्कूल में कुछ सिखाया नहीं क्या? तू ले नहीं गया? लेडीज फर्स्ट, पहले मैं। ओके? ओते पिंटित। चलो मुँह ऐसा करो। मैं गुड कर रहा हूँ। पेट थोड़ा अंदर, वेरी गुड। आंखें बंद करो। हाँ कर लो कर लो कर लो ना। अब बोलो बजरंग बली की। रोनी, मेरा अपना खुद का छोटा भाई। छोड़ो जी, करिश्मा जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपने जो स्वीट की मदद की है, और ये लिया, I'm very happy। और ना जी ना, आज तो भाई भाई कड़ी होते हैं। पता है आपने हमारे लिए जोखम उठाया है। ओह हो, खुश किता जी, खुश किता। ओह हो, पर जी एक प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम? आज से आप लोग इस घर में पेइंग गेस्ट नहीं रह सकते, सॉरी। बल्लू जी, क्योंकि आज से आप लोग इस घर में पेइंग गेस्ट नहीं बल्कि फैमिली मेंबर हो, हमारे अपने। स्वीट, इसका मतलब अब हमें किराया नहीं देना पड़ेगा? नहीं जी, आप समझे नहीं, किराया देने वाला फैमिली मेंबर समझे आप। क्या हुआ? ये पकौड़ा किसने बनाया? करिश्मा ने। क्यों? ऐसा लगता है पकौड़ा मैंने कहीं खाया इससे पहले। रेस्टोरेंट में बड़ी भाभी। बल्लू जी, एक्चुअली ना ये बंदा नाम से कितना चीपू टाइप साउंड करता है ना। नाम तो सुनिए, भावेश। मैं सोचती हूँ ना, तुम आई गेट द झुरझुरी। कुत्ते 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 कौन कुत्ते है वो? प्यारा भवेश। प्यारा नहीं, कमीना भवेश, मैं निकाल फेंक गया। मैं हमेशा उन्हें कहना सी, देख भाई कस्टमर जो है ना, हमेशा एक ही टाइप का खाना खा के थक चुके हैं, पक चुके हैं, कुछ नया एक्सपेरिमेंट का, मेहनत कर। नो, आप पैर लाने को तैयार नहीं। मैं कहा निकाल दिया तुमने, बिलाड़ सही किता है? पर आज आपके हाथ का टेस्टी खाना खा के मेरे को ऐसा लगा, अगर ये खाना वो कुक कमीना भवेश बनाता होटल में, तो आज हमारा रेस्टोरेंट किधर से किधर जाता। जन्म में
करिश्मा का मतलब है कि जहन्न में जाए वो भावेश। हाँ आग लगे कीड़े पड़े कुत्ते की मौत मरे सानों की कैंसर होए लखवा मारे एड्स के फोड़े होए। पकड़ा खाना किसी ने देख लिया। अरे कोई नहीं देखेगा यार। अबे बल्लू जी और स्वीटी दीदी बाहर गए यार, इसने तो ऐसे खेल रहे, वरना मैं क्या इन्हें खेलने देता। खेलने देता कहाँ गए? अरे गए उन लोग यार सुबह एयरपोर्ट किसी को रिसीव करने। तू टेंशन देना यार। अरे सुन, गुड न्यूज बोलना, मुझे नौकरी मिल गई। हाँ, और नौकरी के साथ मुझे फ्लैट भी मिल गया है। बस कुछ दिनों के बाद अलॉटमेंट भी हो जाएगा। और उसकी बीवी करीना। हाय। शी डन लायो फ्रॉड कुत्ता कहीं का। कौन? टॉमी। टॉमी कौन? मेरा कुत्ता। तुझे अपनी डॉगी की याद कहाँ से आ गई? यहाँ किसी को देखकर कितना प्यार किया, कितना भरोसा किया, और देखो क्या निकला? क्या निकला? धोखेबाज। चालू निकला। मेरे फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को हर्ट किया। उस टॉमी की कोई मजबूरी नहीं होगी। मजबूरी नहीं, चीटर, ए ग्रेड का चीटर, नर्क में जाएगा वो, नर्क में। हाउ डेयर यू। अरे अर्पिता, आई एम रियली सॉरी। हां, मेरी फ्रेंड थोड़ी सेंटीमेंटल है। एक्चुअली वो थोड़ी सेंटी और ज्यादा मेंटल है। नो नो, एक्चुअली मेरे साथ इंडिया से आई है ना, शी मस्ट बी टायर्ड। अच्छा अच्छा, चलो चलो, आप सब लोग बताओ ये कौन है। मैं बताऊं
आपकी छोटी बहन कल्पना। करिश्मा, तुम्हें कैसे पता? अरे आपने फैमिली एल्बम दिखाया था ना, उसमें फूफी से लेके चाची तक इतना डिटेल इंट्रोडक्शन दिया था कि अब तो आपके रिश्तेदारों को मैं कुंभ के मेले में से भी चुन सकती हूँ। वैसे आप सबसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई ना, मुझे भी बहुत खुशी हुई। हेलो, नो पुलिंग। एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड बहुत अपसेट है, उसे जरा देख क्या। नहीं नहीं नहीं, हम अपने नए गोस्ट को सेटल करके आते हैं, तुम लोग रुको। गोस्ट? गेस्ट। ओ, बहुत मजा आ रहा है। चट। हेलो अंकल। यही है यार, यही है। हेलो, तुझे क्या हो गया है? चेकमेट? दे चेकमेट नहीं यार, सोलमेट। सोलमेट यही है वो, यही है वो जिसमें वो सारी खूबियां हैं जो मेरे लाइफ पार्टनर में होनी चाहिए। इसके प्यार के कुकर में अपनी जिंदगी की खुशियों की मैं रोज एक रेसिपी बनाऊंगा यार, रोज। अबे भैया सुन, कुकर में जाएगा तू, सिट्टी बजेगी हमारी। क्या चे? अर्पिता, अर्पिता मेरी बात तो सुनो यार। क्या कहोगे, गलती मेरी थी जो मैंने तुम्हें और लड़कों से अलग समझा, लेकिन तुम तो औरों की तरह ही निकले। ये मेरी शराफत थी जो सबके सामने मैं तुम्हारे पोल नहीं खोली। और सब कुछ शुरू से बताइए, कहाँ मिले, कैसे मिले, पहले आई लव यू किसने कहा, पहली डेट, शादी कैसे हुई, आई वांट टू नो एवरीथिंग। वो एक रोमानी सुहानी शाम थी। ओह भाभी, हाउ रोमांटिक। मैं अपने मर्दों में माँ के पास बैठी थी। डॉक्टर ने कहा कि अगर वक्त पे दवाई नहीं आई तो माँ मर जाएगी। मैंने थोड़ी थोड़ी मेडिकल स्टोर पहुंची तो रास्ते में गुंडे, oh my God, चार चार बड़े बड़े मुस्टंडे गुंडे, और उन्होंने उन्होंने मुझे घेर लिया। और तभी इनकी एंट्री हुई। परीक्षित भैया की? तुम्हारे परीक्षित भैया आए और उन्होंने गुंडों को मार के भगा दिया। नहीं, परीक्षित भैया ने गुंडों को नहीं मारा, गुंडों ने परीक्षित भैया को धोया। देयर हैंड वॉश इज बॉडी वॉश। और परीक्षित भैया ने कुछ नहीं किया? किया ना। क्या? परीक्षित भैया ने गुंडों को ललकारा। हाँ, एक एक करके आना, सबको देख लूंगा, ऐसे कहा। फिर गुंडों ने परीक्षित भैया को एक एक करके धोया। भाग गए गुंडे? नहीं, तुम्हारे परीक्षित भैया भाग गए। ओह, आपको अकेला छोड़ के भाग गए? अरे नहीं नहीं, अकेले कहाँ, गुंडे थे ना मेरे साथ। पर अफसोस, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, मार नहीं रही। सॉरी भाभी। अरे मतलब माँ घर पे नहीं रही, वो पड़ोसी उसको हॉस्पिटल लेके गए थे ना। ओके। जॉस मारता। बैट बैट। अरे कौन है जो फ्लैशलाइट मार के अपनी मौत ढूंढ रहा है? बस डिस्कशन फिनिश, अभी एक्शन। मुरली का खाया पैसा तो यमराज का डाइजेशन भी खराब कर डालता है। तू तो तब भी एक मामूली सड़क का चपोड़ी है। अभी देख, ऐसे यूटर्न गोली डालता है तेरा बॉडी के अंदर, किधर से घुसा किधर निकला पता ही नहीं चलेगा। नहीं मुरली भाई, ऐसा मत करो प्लीज। अबे तोतली मुर्गी, तेरे को क्या हुआ? मैं तेरे को बोला? मैं फोन पे था, फोन पे बोला था। मैंने तुम्हारा दादा बहुत पहले तुका देता अगर वो बल्लू सिंह के तीन दिन बीच में नहीं आते। क्या धासु औरत है भाई, रोनी भाई को क्या सॉलिड पंच मारा है। कप्तान औलत इसने तो याद किया, वरना तो मेरा पावन दंत है ना। कभी हंसता हुआ गला देखा तुम? जब ये गले पे लाइन खींचता है तो गला हंसने लगता है। तो पीस में नहीं, नहीं मिली भाई, नहीं प्लीज प्लीज। फोन रख और पैसा अरेंज कर। फोन पर है, फोन पर है। तेंदोग। तीन दिन, सिर्फ तीन दिन, तीन दिन तक तेरे को मैं दिखाई नहीं दूंगा। पैसा मिला तो ठीक है, वरना तू किसी को दिखाई नहीं देगा।
फोन पर है, फोन पर है। अरे भाई वाइब्रेटर मोड से निकलो। पहले बता वो दलिंदर थे ये तब मुसीबत वो पेंट की वजह से होली है। अब वो पेंट को मेरी पावर दिखानी पड़ेगी। हेलो नमस्ते इंडिया। हेलो बलूतिन, मैं लोनी बोल रहा हूँ। वो क्यों बोल रहा है? वो तू बोलते बोलते थकता नहीं है? अब मैंने पता तो क्या बोलेगा यार, यही ना कि एक हफ्ते में जो होटल बेचने की धमकी दीती थी वो तो खत्म हो गई। अब तुझे मैंने होर टाइम पे होर धमकी देनी है। देखो चुप कर, मैंने पता है उन तो साढ़े पेंगे इसकी बात करेगा, धमकी देगा कि मैं जाके उनको समझाओ कि हमारे बीच में नहीं आना। तो सुनो छोटे भाई है मेरे, समझा? बड़े भाई की तरह प्यार करते हैं, सम्मान देते हैं। उनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोला ना मैं भूल जाऊंगा तेरा मेरा रिश्ता भी है। ठीक है राइट फोन। ओए खोते दा पुत्र, तेनु शर्म नहीं आती? रख फोन। बल्लू जी वो तेरी आवाज नहीं क्यों है कमीने? अरे मैं बोल रही हूँ, मैं स्वीटी। ओए स्वीटी जी मैनू माफ कर, ओ मैनू लगा वो नालायक है। ओ हुक्म कर है जी। इनविटेशन आया है फोर प्ले के लिए। का के लिए? अरे फोर प्ले, हम दोनों को इनवाइट किया है फोर प्ले के लिए। हाँ जी। किसने इनवाइट किया है? अरे वो नाटक कंपनी वाले ना बल्लू जी, हमारे घर के पास जो वो थिएटर है ना, वहाँ एक साथ चार चार अलग अलग प्ले होने वाले, फोर प्ले। ओहो फोर प्ले में तेरा मतलब है चार नाटक? अरे एक ही बात है ना, लेकिन बल्लू जी उन चार प्ले में से मुझे सिर्फ एक ही प्ले देखना है, मुगले आजम। इसलिए कॉल आपको और जल्दी आ जाना, क्योंकि पहला फोर प्ले ठीक 5 बजे शुरू हो जाएगा। और आपको तो पता ही है बल्लू जी, फोर प्ले का स्टार्टिंग मिस किया ना तो क्लाइमेक्स में बिल्कुल मजा नहीं आता। नहीं अरे कोई बात नहीं, तेरे को तो पता है मैं बिल्कुल पंचुअल हूँ, मैं बिल्कुल टाइम पे पहुँच जाऊंगा। खाली मेरे को बता देना किसके घर पहुँचना है जी। मुझे आज भी याद है मेरी जिंदगी का सबसे रोमांटिक दिन। मैं राखी बांध रही थी क्या अपने मुंह बोले भाई को, तभी तुम्हारे परीक्षित भैया वहाँ आए। हाँ। मुझसे कहने लगे चलो ना कहीं खूबसूरत जगह चलते हैं। हाउ रोमांटिक। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं पे। फिर उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहने लगे क्या? बहन क्या भाई, माँ बाप नाते रिश्तेदार कोई नहीं है मेरा, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। क्या हम दोनों एक दूसरे का अकेलापन दूर नहीं कर सकते? फिर क्या उनके हाथों की थरथराहट आज भी मेरे एहसास में है, उनके सांसों की तपिश आज भी मैं अपने चेहरे पे महसूस कर रहा हूँ, कर रही हूँ। उनके बदन की खुशबू आज भी मेरे सांसों में बसी हुई है। फिर क्या पता ही नहीं चल रहा था कि उनकी सांसें कौन सी मेरी कौन सी, उनके एहसास कौन से मेरे कौन से। दाल चावल के सारे फासले मिट चुके थे, रह गए थे सिर्फ खिचड़ी। खिचड़ी? सॉरी यार, वो भावनाओं में थोड़ा ओवरफ्लो का तड़का लग गया था। भाभी तुम तो बड़ी वो निकली। अरे अभी तुमने देखा ही क्या है। अच्छा मेरी छोड़ो, मेरी छोड़ो, तुम बताओ दिखता कैसा है वो? कौन कैसा दिखता है? वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अरे आई डोंट हैव एनी बॉयफ्रेंड। वाओ Now, don't tell me. Tell duty. बताना कौन है, कैसा है, बताओ ना। अरे बाबा, I really haven't met anyone yet. और लड़का भी ऐसा होना चाहिए जिसमें अपनी पसंद की कोई चीजें हो ना। हाँ जैसे जैसे बताओ ना। He should be a good cook. He should have a good sense of humor. He should be obviously be handsome. जब बात करे तो ऐसा लगे कि शायरी कह रहा है। अगर वो काउबॉय के गेटअप में आ जाए तो मैं तो मतलब वो या एब्सोल्युटली सी द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ही हैज टू बी एन एनिमल लवर। एनिमल लवर? हाँ, जो बेजुबान की फीलिंग्स नहीं समझ सकता वो हम इंसानों की फीलिंग्स क्या समझेगा, बोलो तो। बिल्कुल सही कहा तुमने। अरे चलो चलो जाने से पहले भाभी को एक किसी दे के जाओ। भाभी पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि कल तुम्हें तुम्हारा वो काउबॉय ड्रीम मैन मिलने वाला है। रियली? सीरियसली? चलो जाओ जाओ जाके सो जाओ। गुड नाइट। मुआ 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 पराग पराग।
खुश रहो। Oh my God! Mr. Bhavesh! Oh my God! I thought your crocodile excuse me, sir. Mr. Bhavesh, what? Oh, it's a dream come true, sir. Hey, it's okay. Relax. No relax, sir. No relax. आपका कुकली बुक पल पल के मैं खुद कुकिंग क्लास स्टार्ट किया। Oh really? Yeah. Sir, autograph please. Autograph. Oh sure. Ben. जिनको जानवरों से कोई प्यार नहीं, लगाव नहीं, वो इंसानों की फीलिंग्स को क्या समझेगा? आई लव एनिमल्स। यू सी, ये हमारे तरह नहीं होते। इनमें कोई बनावट नहीं, कोई धोखा नहीं होता। जब भी मैं इन खूबसूरत रंग बिरंगी पंछियों को आसमान में उड़ता हुआ देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह खुले दिल से आसमान में उड़ सकते। यू सी, ये गाने के लिए कोई मौका नहीं ढूंढे, जीने के लिए कोई लॉजिक नहीं ढूंढे, और खुशी के लिए कोई वजह नहीं ढूंढे, फिर भी हम इनको खाने के लिए ढूंढते हैं। शट अप। इट्स ओके। अरे, इनका भोलापन, इनकी मासूमियत, इनका चहचहाना देखकर ऐसा लगता है कि काश हम भी इनकी तरह सिर्फ प्यार करना जानते हैं। ओह, आई लव एनिमल्स। Excuse me, sir. आपकी फेवरेट रेसिपी कौन सी है? Of course. Let me think. Hot dogs, tandoori chicken, seekh kebab, mutton biryani, fried pomfret, pork chops, beef steak, stuffed turkey, roasted duck. Oh, duck. आप animal lover? Oh, of course. ये सब ban कर देना चाहिए, ये कह रहा था मैं. हाँ, I'm a pure vegetarian. You see, मैं तो फूल पत्ते भी वो खाता हूँ जो पेड़ से मर के गिर जाते. इतनी गिली भी बात. Oh my God. मेरा idol, my hero is vegetarian. It's okay. क्या कर रहे हो? Non-veg. आज से finish. No non-veg. I'm also vegetarian. Can I kiss your hands? Can I suck your finger? Great cook, sir. Okay. Security. Cute dog. Chef. Cowboy. Excuse me. Hi. Hello. Kalpana. Bhavesh. अभी आपकी अंदर बातें सुनी. अच्छा? बहुत अच्छा लगा कि ऐसे भी लोग हैं जो कि पशु पक्षियों के बारे में ऐसा सोचते हैं. यह हक उन्हें ईश्वर ने दिया है, और किसी इंसान को यह हक नहीं है कि उनसे उनका यह हक छीन. ऐसा सब तो नहीं सोचते. मैं सबकी तरह नहीं सोचता. So you're a chef? हाँ, बस एक छोटा मोटा सा. आपके फैंस के रिएक्शन को देखकर तो ऐसा नहीं लगता. But where do you work? होटल इंटरकॉन्टिनेंटल का नाम सुना है आपने? अरे, वहाँ का मैनेजर तो मेरी फ्रेंड का हस्बैंड है. वहाँ से राइट लीजिए. होटल फोर सीजन्स बीच रोड पर. अरे, वही फ्रेंड वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है. वहाँ से लेफ्ट ले लीजिए. होटल ग्रैंड हयात. वहाँ गई हैं आप? वहीं पर मैं काम करता हूँ, सुपरवाइजर शेफ की पोस्ट. लगता है बहुत कम सैलरी मिलती है वहाँ पे. जी. Otherwise, he would have asked me for coffee till now. Lunch करेंगे आप मेरे साथ? Lunch? वैसे मेरी सैलरी कुछ ज्यादा ही अच्छी है. Hi, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है. चैनल के क्रिएटिव हेड को तुम्हारी स्क्रिप्ट राइटिंग स्टाइल बहुत पसंद आई. उनका यह कहना है स्क्रिप्ट राइटिंग की यही स्टाइल होनी चाहिए. इनफैक्ट अप्पा को अल्टीमेटम मिला है कि अगली बार से करीना ने स्क्रिप्ट नहीं दी तो उनकी पोजीशन भी डामाडोल हो सकती है. तो अप्पा तुमसे अभी मिलना चाहते हैं, इडियट. वाके. लेकिन वो रास्कल अप्पा कूल. ओके, कूल. आई एम कूल, ऑलवेज कूल. रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुआ ना? वैसे तंबी, मैं इस कुर्सी पर ज्यादा सूट करता ना. लुंगी पहनने वाले सूट की बातें नहीं करता. राजकर, मैं कुर्सी से उठने की बात करता. ये मेरा कुर्सी थी तो बैठो अपनी कुर्सी पे. चट्टा.
जचता तुम इस कुर्सी पे बहुत जचता हाँ बैठो मेरा क्या, मैं तो किधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। मैं डिसाइड किया कि तेरे को एक चांस देना मांगता, ट्रायल चांस, मैं तेरे को टेम्पररी राइटर बनाने को रेडी। तुम रेडी नहीं पिल्ले हो, बट एनीवे नो थैंक्स, आई वांट अ परमानेंट जॉब विद अ 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। मैं तेरा गोला। अब्बा कूल, रिमेंबर डॉक्टर। कूल। मैं तेरा गला चेक कराएंगा, क्या स्वीट वॉइस, कितना अच्छा गला, लेकिन परमानेंट जॉब है थोड़ा प्रॉब्लम। तो चलता जचता तुम परमानेंट राइटर जचता। और 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट वो तो देना ही है, वो तो देना ही था ना, यो वो भी कंफर्म्ड। और भी कुछ जी? हाँ, मैं आपकी बेटी सीमा से शादी करना चाहता हूँ और मैं इस देश का प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ जी। मतलब गेट आउट रास्कल इन द पो। जा रहा हूँ मैं। जाने दो, मैं चला गया तो मेरे साथ आपकी पोस्ट भी चली जाएगी। ये तेरे को किसने बोला? आई ओ सीमा, तुम, यू टू। आई लव हिम बट आई डोंट लव हिम। ये फैमिली का सपोर्ट करेगा। देखिए सर, मैं इसे सपोर्ट कर लूंगा, लेकिन अपनी बाकी की फैमिली को आपको खुद सपोर्ट करना होगा। चुट देगा। अप्पा प्लीज मान जाइए ना, प्लीज। ओके जचता। क्या जचता? तुम दोनों का जोड़ी जचता। यस। बाय 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 बाय। यहाँ क्या कर रहा है ये? तू क्या कर रहा है? क्या बाय बाय कर रहा हूँ? ये गलत कर रहा है तू। गलत क्या, मैं बचपन से बाय बाय ऐसे ही करता हूँ, तू कैसे करता है ऐसे? अबे मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ। पहले से हम कब प्रॉब्लम है जो तो इनविटेशन देके पोंगे ले रहा है? देख कल्पना बल्लू जी की साली है। साली बहुत सॉलिड है यार। देख तेरी वजह से हम जो कल पकड़े जाने वाले ना, वो आज पकड़े जाएंगे। अबे नरके अमरूद, तू मेरी लव स्टोरी में क्या कर रहा है? वो मैं ऑफिस से घर जा रहा था, तुझे देखा तो बस से उतर गया ना। चल अब चढ़ जा। अबे कहाँ जा रहा है? अबे घर नहीं जाना क्या? चल ऐसे जाएगा घर? गेटअप कौन चेंज करेगा, तेरा बाप? तू मेरे बाप पे मत जाना। क्यों? क्योंकि मेरे बाप पे मैं गया हूँ, और वैसे भी वो गेटअप उनको अजीब लगेगा। अरे फोन आया। हेलो, यस मिस्टर चाचा, मैं चेंज करके आता हूँ। सेटिंग सर, डोंट यू वरी, आई आई हैव आई एकदम सॉलिड, एकदम डोले शोले बन गए आपके। अप डाउन उद्घाटन में आई है क्या? लेप नहीं भाई, रेप कहने की कोशिश कर रहे हैं। दो तीन दिन चला हूं। तुम लोग मेरा रेप करोगे? भाई ये तो खुश हो रही है, मेरी मतलब देखी और तू तो जाएगी। चल चल क्या हो जाएगा, बहुत टाइम दे रहे हैं, बहुत टाइम दे रहे हैं। छोड़ दो, देखो आज तक किसी पराये मर्द ने मुझे छुआ तक नहीं। भाई ये अफसोस जता रही है, हम दोनों को उकसा रही है। नहीं छोड़ दो, जाने दो मुझे, छोड़ ना छोड़ दे ना। ऐसे कैसे तो? नहीं भाई आगे मत बोलना, आप बोलोगे छोड़ और आपके मुंह से कुछ और ही निकलेगा। पता है ना पिछली होली को क्या किया था? अरे बिल्डिंग की सारी औरतों को जाके कहा क्या मैं तुम पे रंग लगा सकता हूँ, और रंग की जगह पे इनके मुंह से क्या निकला पता है? कितना पीटा था हम दोनों को। छी और तो कैसे मार कर देवे, शर्म नहीं आई? जनाब पले ओले के समय नाम खला कुत्ते ये बांदा के नर लग थपथ में तमाम तमाम पेल के आता हूं। ओके भाई चल तू जा, छोड़ दे जाने दे, चल तू लग, तू मेरी पावर नहीं जानती है। मेरे साथ सुहाग राज बनाने के लिए तैयार हो जा। कम ऑन
खबरदार खबरदार रिक्शा का मीटर किधर किधर अरे मतलब डोंट टच पीछे इंजन को तो हाथ लगा नहीं 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 जान दे दूंगी मैं तुम्हारे साथ अपनी सुहागरात कभी नहीं मनाऊंगी अच्छा जान देने की फर्क किसी की ताम नहीं आई भी हाँ चुप कर सलीना हवस के पुजारी अभी have no fear because your devil is here. ए देवल, तेरे देवल को ठीक नहीं लग रहे। मारो देवर जी। अच्छा वो मेरा रेप ही कर लेता रेप हाँ रेप वो साला तोतलो और घुंगरू मुझे कॉन्टिनेंटल डिश समझ के एक साथ निगल लेना चाहते थे साले को देख लेंगे ये ऐसे 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 देखेगा हा? और हम क्या देखेंगे देख तो वो लेता और जो वो देखता ना उसके बाद हम किसी को कुछ दिखाने के लायक नहीं रहते रिलैक्स यार टेक अ चिल पिल तू मर्द है यार इतना टेंशन क्यों ले रहा है किस एंगल से मर्द लग रहा हूं मैं हा? अब तो हॉर्मोन्स भी ऑटोमेटिकली चेंज होने लग गए और वो ये इसका जयेश वो जयेश साला बचाने आया था कि पिटवाने आया था समझ में नहीं आ रहा था रेप होता ना तो शायद दर्द थोड़ा कम होता अच्छा छोड़ यार तू कितना बोलता है जो भी हो गाइस इस बात का पता स्वीटी दीदी और बल्लू जी को नहीं होना चाहिए अननेसेसरली बात आगे बढ़ जाएगी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी जो हम नहीं चाहते यार लेकिन रोनी का क्या उस तोतले तो नहीं थो लेंगे हम हमारे धलती दर्द पे हाथ डालता है तू सेब खा रहा है तरबूज नजर आ रहा है नहीं एक्चुअली मुझे सेब के अंदर कुछ और नजर आ रहा है कीड़ा आधा जी है सवाल बाकी का आधा कहाँ गया भाई जवाब बाकी का आधा इसके पेट में गया करिश्मा क्या करिश्मा उल्टी कर रही है परीक्षित मुबारक हो मुबारक हो थैंक यू किसके लिए करिश्मा उल्टी कर रही है अरे तू उल्टी कर रही है तो सीधी करवा देंगे इसमें इतना खुश होने की क्या बात है करीना परीक्षित बाप बनने वाला है What? बाप? अरे कमीनो दीदी दीदी अरे दीदी कमीनो कमीनो अभी अभी आए हटो तुम हटो इधर 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 बैठो बैठो एकदम खुशी की बात है करिश्मा कैसे बोलूं दीदी मुंह से बोलूं एकदम खुशी की बात है अच्छा दीदी फिर भी मुंह से ही बोलूं करिश्मा दीदी औरतों की खुशी ना मर्दों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होती बार बार बीच में टांग अड़ाते रहते अभी खबरदार बीच में आए तो चुप रहो समझे हाँ दीदी बताओ करिश्मा इस घर में है ना एक नया मेहमान आने वाला है कुछ कुछ नया मेहमान ये तो वाकई में खुशी की बात है कांग्रेचुलेशंस मुबारक हो मुबारकबाद देनी है ना तो इन्हें दो इन्हें क्यों यही तो बच्चे के बाप है ये तू बच्चे का बाप हल्का तुझे शर्म नहीं आई
जिस थाली में खाता है उसी में। क्या बोल रही है तू करिश्मा? अरे स्वीटी दीदी जरा सोचो, जब बल्लू जी को इस बच्चे के बारे में पता चलेगा तो क्या गुजरेगी उन पे? अरे क्या गुजरेगी, बच्चे के बारे में सुनेंगे तो बल्ले बल्ले करेंगे। बल्लू जी है बल्ले बल्ले, बल्लू जी जान के बल्ले बल्ले करेंगे कि आपके होने वाले बच्चे का बाप परीक्षित है। नहीं, ये ना इंसाफी है। गलती आप लोग करो और उसकी सजा मुझ जैसी अबला नारी को भुगतनी पड़ती है। अबला नारी? हाँ। उल्टिया तूने की है, मां तू बनने वाली है। क्या? हाँ तू, दुनिया की सारी औरतें मां बनती है वैसे तू मां बन रही है। अब तू रिलैक्स कर और परीक्षित इसका ध्यान रखना, तब तक मैं पूरे मोहल्ले में ये खुशखबरी सुना कर आती हूँ। अबला बजवा लिया ना अपना तबला। खुशी की बात है, खुशी की बात है, खुशी की बात है। और कर उल्टियाँ। अरे मुझे क्या पता था मेरी एक उल्टी से वो सारी बात उल्टी समझ लेगी। ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, सब मेरे पीछे क्यों पड़े? कोई मेरा रेप करना चाहता है तो कोई मुझे प्रेग्नेंट बना रहा है। सुन एक काम करते हैं, अभी जाके दीदी को बता देते हैं, ये हमारे कीड़े नहीं है, ये उस सेब वाले कीड़े की वजह से हुआ है। अभी चल के बता दे, अभी चल के सब सच बता दे। कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं, देखिए करिश्मा जी की जिम्मेवारी हमारी जिम्मेवारी है, सब संभाल लेंगे। बल्लू जी लेकिन बात तो सुन, एक एक मिनट का ख्याल रखेगा जी, आप देख रहा। और जी पैसे वैसे की फिक्र ना करना, आपका बड़ा भाई जिंदा है, सब हो जाएगा। बल्लू जी अरे बोला, बल्लू जी आप सुनिए ना मेरी बात। बल्लू जी चलो जी। चलो जी जाना है। हाँ। जाना किधर है? भूल गए ना, गुरुद्वारे जाना है, करिश्मा के लिए मन्नत मांगनी है और व्रत भी तो रखना है। अजी याद आ गया जी, आज हमारे लिए बड़ा खुशी का दिन है जी, बड़ा खुशी का दिन है, ऊपर वाले की बड़ी मेहर है। और पता है कल्पना ने बताया उसने अपनी लाइफ पार्टनर चुन लिया है। ओए 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 ओए। और फिर पता चला इस घर में नन्ना में मार भी आने वाला है। पल्लू जी हम तो कभी माँ बाप नहीं बन पाए, सालों से घर सूना पड़ा हुआ है, हम कभी सोच भी नहीं सकते कि इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां भी सुनाई देगी। और रब दा जवाब नहीं है, जो आपने रब दा आप लोगों को जरिया बना के ये अरमान भी पूरा कर दिता। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। पल्लू जी चलिए ना, गुरुद्वारे के बाद वाइफ स्वैपिंग के लिए भी तो जाना है। जी इसका मतलब है वाइफ की शॉपिंग करानी है? एक ही बात है। एक बात नहीं गलत बात है, चलो आज। हाँ जी हाँ जी, बाय। देखना हम लोग सब नर्क में जाएंगे। Hi, sweetie, didi, good morning. Good morning. तुमसे कोई मिलने आया है? मुझसे? हाँ, देखो ना। Hi. How come? Yeah. I was just passing by. मैंने सोचा एक साथ ऑफिस चलते हैं। Of course, that's perfectly fine. It's good. मैं भी शोरूम ही जा रहा था। Let's go. चलते। चलो ना, please. कैसी लग रही है? Different. चलें। सिर्फ डिफरेंट, ब्यूटीफुली डिफरेंट, नाइस ना? चलो चलते हैं। अरे क्या, चलो चलो परीक्षित, पहली टाइम तुम्हारी फ्रेंड घर पे आई है, करिश्मा से तो मिला। करिश्मा कौन है? करिश्मा डजंट मैटर, तुम चलो ना। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग जयस। लगता है मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप? आरती। मैं जयेश, परी का कजिन। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। परी, करिश्मा से मिलवाया इनको? यार तुम सब लोग करिश्मा से मिलवाने के पीछे क्यों पड़े हो यार, चलो ना प्लीज। कम ऑन, सब इतना कह रहे हो तो मिलवा दो ना करिश्मा से। बाय द वे ये करिश्मा है कौन? भाई 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 भाई, मैं इनसे बाय बाय बोल रहा हूँ, प्लीज कम ऑन ना। बाय। अभी सुनते हो मेरा बाय बाय? ये है करिश्मा। नमस्ते। मिसेस करिश्मा पांडे, परीक्षित की वाइफ। और आरती, इन्हें मुबारकबाद भी दो, शी इज एक्सपांडिंग।
और ये प्रेग्नेंट है, ये माँ बनने वाली है। प्लान नहीं था। और बाप? पहचान कौन? परीक्षित। परी जल्दी आना। हाँ आजकल मुझे बहुत डर लगता है। पक्का नरक में जाएगा। लुक मैम, आई एम सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। इट वॉज नॉट इंटेंशनल। वो क्या है कि शादी इतनी सडनली हो गई कि जल्दी जल्दी मैं आपको इनवाइट करना ही भूल गया। मैं ऐसे करते कल ही मैं आपको अपनी शादी की एक स्पेशल ट्रीट देता हूँ। व्हाट मदर? नहीं ठीक है, जब मेरी बेटी होगी तो उसके पहले बर्थडे का पहला इनविटेशन मैं आपको दूंगा। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप खुश नहीं है कि आई एम मैरिड? आपको मेरी बीवी करिश्मा पसंद नहीं है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? हाँ आई टेल यू व्हाट द प्रॉब्लम इज। आप खुश नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि आप मुझसे प्यार करती है। और यह मैं आपसे पूछ नहीं रहा, आपको बता रहा, कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे छिपाया नहीं जा सकता। ये भीगी भीगी आंखें, झुका हुआ चेहरा, टूटा हुआ दिल, क्या क्या छिपाएंगे आप? And one more thing for your kind information, I'm not married. और जिसे आपने देखा वो मेरा दोस्त था, भावेश वर्मा। He's a guy, लड़का, boy. काफी दिनों से मेरी बीवी बना। लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते थे? हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था, वी वर हेल्पलेस। देखो अर्पिता, अगर तुम्हें अभी लगता है कि मैंने तुम्हें चीट किया तो जो मान है कितने? एक? पर क्यों? एक रुमाल से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे बहुत रोना आने वाला है। प्लीज फॉरगिव मी, मैंने मेरा टॉमी से सॉरी तुमको डाउट किया। Yara bulla la mein, yara bulla la mein, yara bulla la mein, yara bulla la mein. तेरा चेहरा निगाहों से हटता नहीं, ऐसी रंगत न देखी है मैंने कहीं। ओ तेरा चेहरा निगाहों से हटता नहीं, ऐसी रंगत न देखी है मैंने कहीं। बातों में है सादगी, आंखों में है चांदनी, मैं दीवाना ऐ रब हो न जाओ कहीं। या रब्बुल आलमीन, 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 या रब्बुल आलमीन। चंचल खूबसूरत है तुम्हारी ये अदा, चांद शर्माए अर्श पर देख कर तुमको बाखुदा, बाखुदा तुमको, बाखुदा बाखुदा तुमको। चंचल खूबसूरत है तुम्हारी ये अदा, चांद शर्माए अर्श पर देख कर तुमको बाखुदा, बाखुदा तुमको, बाखुदा। तारीफ ना कर मेरी जानू, क्या है मर्जी तेरी, कुर्बान है तुझ पे हम, जिंदगी अब तू है मेरी। रब की है कारीगरी, जो हो तुम जादू भरी, मैं दीवाना ऐ रब न जाओ कहीं। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन। I'll be closer in my arms, mesmerize you with the charm, take you up and take it down, and make the heart go round and round.
मेरा जलवा है जहाँ में दिल नशीन सारा आलम मुझको देखे मैं हूँ ऐसी महजबी महजबी मैं महजबी महजबी मैं महजबी मेरा नखरा मेरा जलवा है जहाँ में दिल नशीन सारा आलम मुझको देखे मैं हूँ ऐसी महजबी महजबी मैं महजबी जब से देखा है तुम्हें होश न है अब हमें छोड़ के सारा जहाँ किस्मत अच्छी थी या गेटअप लेकिन हुआ तो कुछ ऐसी है हमने डिसाइड कर लिया है कि आज ही बल्लू जी और सूटी दीदी को जाके सब कुछ सच सच बता देंगे या और वो जो सजा चाहे हमें दे सकते हैं लेकिन आप हम उनके इमोशंस के साथ नहीं खेल सकते अच्छा चलो बल्लू जी और स्वीटी दीदी को सब सच बता देते हैं चलो वन सेकंड गाइस वन सेकंड यू कांट हर्ट देम डायरेक्टली लाइक दिस तुम्हें उन लोगों को बताना होगा कि तुमने जो भी किया वो तुम्हारी मजबूरी थी मर्जी नहीं लेकिन बताना तो पड़ेगा ना कैसे बताएं अरे यार डू समथिंग अबाउट इट कम अप विद अ स्टोरी किसी का नाम लो कोई कहानी बोलो कुछ भी करो बट जस्ट डोंट हर्ट देम राइट पहले उनको थोड़ा ट्रेलर दिखाना पड़ेगा उसके बाद पूरी फिल्म दिखानी पड़ेगी चल ए चल का गेटअप नहीं चेंज करेगा चेंज कर गया ये वाला निकला अभी इनका काम तमाम करता हूं तूने तो पब्लिक में दुकान खोल दी तू कह रहा है ऐसे कपड़े बदलता है हां अरे यार मुझे क्या पता कि दुकान का शटर ट्रांसपेरेंट है शटर ट्रांसपेरेंट आप भी करते रहते हेलो रोनी भाई Ouch. रोनी तू ओह तो ये रोनी है इसी को तो मारा था ना हाँ पर ये सुधरता ही नहीं है अब इसे फिर मारना पड़ेगा हाँ ये तो वही होगी ना आप बेल मुझे मारते तो बड़े ढीठ टाइप होते हैं ना बेशरम लगा पैदा होता लगता है ए ए हंसता क्या है चलो निकलो यहाँ से नहीं तो ना छोटी 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 छोटे छोटे टुकड़े करके ना कीमा बना दूंगी हाँ बल्लू जी और स्वीटी दीदी अब अकेले नहीं है समझे हाँ हम साथ साथ हैं और हम साथ साथ मिलके तुम दोनों के 12 बजा देंगे अबे तेरी क्या तो ले तंदू अलग पे हाथ उठा ले तलम नहीं आती है अरे मर्द है मर्द पे हाथ उठा हाँ उठा ले अरे भाई ये भी तो मर्दी है ना इतनी खूबसूरत इसकी जुल्फे कितनी खूबसूरत है हे भगवान करिश्मा ये करिश्मा तुमने कब करा लिया ये तुम व्हाई व्हाई नो फो तुए खाके बिल्ली हट चली मदोना की माँ की बिग नीले हाथ में है ओह माय गॉड ये मैं भी देख लो ये है तुम्हारे लाले पेंगेट की तत्ताई मित्ता बल्लू थिंग धोखे बार ये तब के तब तुम्हें बेवतू बनाकर ताला घर साफ करके दाने वाले थे बल्लू जी ट्रस्ट मी प्लीज हम आपको सब कुछ सच सच बताने वाले थे इस घर में नहीं इधर जगह दित्ती सी इधर अपने छोटे भाइयों से ज्यादा प्यार दिया क्या मिला ऐसा करके क्या मिल गया साडी भावनाओं का मखौल बना के अपने मतलब के साडे जज्बातों नु काट कूट कर अपनी चलाकी का फार्मूला बना दिता कुछ तो शर्म की होती कुछ तो खौफ खाते उस रब दा
सोचा होगा बेवकूफ जज्बाती अकल के अंधे हैं, झूठे रिश्तों में फंसा कर लूट लो। अच्छा मजाक उड़ा हमारी मोहब्बत का, गलत बात है, गलत बात। दीदी आप तो हमारी बात बस, अब ये लफ्ज तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। हाँ भैया, अपने अपने होते पलाए पलाए, मिसाल तुम्हारे सामने ही थरे। ए तोतली मुर्गी नीली भाई, हो तुम तलो। चल अब तेरा बहुत हो गया फैमिली एपिसोड, ये ले पेपर साइन करा के ले गया। हेलो जी, क्या है पेपल? लेट अलोन द पेपल, अपने तत्ते भाई के लिए इतना भी नहीं तल सकते हो? चलो साइन करो पेपर। चंगा। नो बालू जी, वो सारे फसाद की जड़ी रेस्टोरेंट ही है ना, पता किधर साइन कर। बल्लू जी प्लीज, बल्लू जी देखिए, आपको जो सजा देनी है हमको दीजिए, हमें मंजूर है, मगर ये मत कीजिए प्लीज। बल्लू जी देखिए, ये रेस्टोरेंट आपके भाऊजी का है और आप ही ने तो बताया था ना कि कितनी मेहनत से उन्होंने बनवाया, प्लीज गुंडों को मत देना यार। अबे गुंडा किसको बोला बे? सॉरी एक गुंडा साला मावाली हलकट हरामजादे कुत्ते कमीने रेडिंग हुड। अबे चूसली की छटी औलाद, बासी चौपसुई चीनी चमूने। अबे चुप भागो। ए तोतले तुम लोग नहीं ले, हम लोग। अबे तोतले मुर्गी मुझे क्या देखा है, पकड़ उनको। छाबरिया डोंट वरी, मुझे पता है आपके बहुत पैसे लगे शो में, आई प्रॉमिस यू। नहीं नहीं डोंट वरी, आई नो दिस इज माय फर्स्ट एंड लास्ट चांस, इट विल बी अ बिग हिट। सलीम तुम भूल रहे हो तुम किससे मुखातिब हो। अच्छी तरह जानता हूँ मैं किससे मुखातिब हूँ, मैं मुखातिब हूँ उस मगरूर बाप से जो शहंशाह के लिबास में अपनी ताकत और शहंशाही का रौब गालिब करने की इंतहाई जलील और बेमानी कोशिश कर रहा है। आपकी ये बुलंद आवाज मेरे इरादों से ज्यादा बुलंद नहीं है जल्ले इलाही। आपकी शहनशाही, आपके मुगलिया फरमान इंसानों की तकदीर तो लिख सकते हैं लेकिन विजाओं का रुख नहीं मोड़ सकते। लेकिन आज हमारी मोहब्बत के खून से बादशाह सलामत की शिकस्त की इबारत लिखी जाएगी या फिर मुकद्दस सरजमीन पर हमारी मोहब्बत के जीत का परचम लहराएगा। हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तय करने का हक सिर्फ हिंदुस्तान की आवाम को है, हमें है। चांदी के सिक्कों की झनकार पर नाचने वाली किसी रकासा की ओछी मोहब्बत को नहीं। सलीम शमशीरों पर जंग की दास्तान लिखी जाती है, मोहब्बत की खोखली और कमजोर शायरी नहीं। अनारकली को पेश किया जाए। अनारकली, ये डायरेक्टर ने फिर से बिना बताए अनारकली को चेंज कर दिया यार। क्या बात कर रहे हैं? होश में आ, बादशाह से रूबरू है तू, बावाज़े बुलंद अपने गुनाह का इकरार कर, क्या तू सलीम से मोहब्बत करती है? नो 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 नो, मैं तो जयेश से प्यार करती हूँ। ये तुम क्या कह रही हो अनारकली? अबे जयेश कौन है यार? कंटिन्यू कंटिन्यू, मैं हूँ लंकापति जयेश, अरे लंकापति नरेश। रावण के बीच में कोई नहीं आ सकता। पेपर मुझे दे दे अनारकली, दे दे मुझे। भाई सब तुम्हें वही है, तेरा नाम ले लो भाई, कोई इज्जत की मार दो। सांभा ले ओ तांबा। Ravan darling, heads up. अरे हो जाम्बा, आदमी है तुर मुंदी दास, बहुत नाजा भी है। सरदार इसको तो डिस्को में जाना भी बहुत महंगा पड़ता होगा ना? तू तू पर हेड 2000, इसके तो 10-10 हेड है।
अम्मा ये पेपर मुझे दे दे। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे दोस्त रावण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। सलीम, अरे क्या सलीम सलीम लगा रखा है अनारकली। चलो अब यहाँ से, यहाँ का माहौल अब खराब हो चुका है। तांबा, यहाँ से कोई बाल नहीं जाएगा, अगर कोई जाएगा तो ये पेपर जाएगा। तेरे बाग के पेपर है, थूलते बत्ते हैं, मिट्टी के बत्ते। ये पेपर मिला मेरा, मिला मेरा, मिला मेरा, तेरा। अबे दिल चीज क्या है आप मेरे जान ले। तो जमीन पे पोता लगा लिए, मोदला है ताम वाली। तन्नू तुझे तो पता मुझे ताम वाली जितनी पसंद है। ताम वाली द नेम इज जान उमराव जान, कहाँ है तुम्हारे कान? तन्नू मुझे तो लगता है तान में तो तीतलेन बोलना चाहती है। भागो! ना मैं जिग्नेशा, ना मैं कल्पेशा, ना मैं हितेशा, ना मैं नसरतेशा। तुम्हें सती सा। ये कौन है? रिश्ते में हम तुम्हें बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। एक और शहंशाह? मतलब मेरे दो दो बाप? अम्मी जान ने मेरे साथ धोखा किया। मेरे साथ भी। कौन हो तुम? उसामा। अभी उसामा कौन है यार? एक काम कर भाई, अपना एड्रेस दे दे, कल दो प्लेन आके जवाब दे देंगे। ओ वो सामा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम ब्रदर, व्हेयर यू आर। अभी बहुत हुआ तुम लोग का ड्रामा। ए रोनी, पेपर लेके इधर आ। उबालो। अब ये कौन आ रहा है? अरे कैमरे ट्रीटमेंट से आईडिया नहीं हुआ, डेफिनेटली टीवी सीरियल का कोई कैरेक्टर होगा। अब आप कौन? मैं तुलसी हूँ। किसके आंगन की? तेरे आंगन की। शाही दरबार में उगने का मकसद? अरे ओ सामा, ये पेपर्स मुझे दे दो। इसका एक गोली तुम्हारा सारा बॉडी बंद कर देगा। भाई ये छोटी छोटी चीजों में आप क्यों पड़ रहे हो यार? आप इसको मार के सीरियल किलर बन जाओगे। कोई फायदा नहीं होता माँ जी, ये नहीं मनने वाली है। 5,000 एपिसोड से ऐसी ऐसी क्या रही है? मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं बा का पुराना बॉयफ्रेंड और इस गब्बर का परमानेंट दुश्मन अपने साथ लेके आई हूँ। ठाकुर जज्बाती हो गया सी, सानू अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और अपने पराए का आइडिया भी आ गया है। तो की ना है थोड़ा उसामा, चल पेपर पकड़ा मैंनो और तब सब चला मेरे साथ। अबे क्या बोलती है तुम? गार्डन में घूम रही है क्या? किस चार दिखाई नहीं देती हमको? कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब आप कौन है मोहतरमा? गॉडेस ऑफ फ्लावर्स। स्वीडी दीदी, पेपर नहीं देना, मैं आ गया हूँ।
दे दो पेपर्स, मैं आके भी क्या कर लूंगा, दे दो। पावल कर रहा है, बता तेरी पावर। भाई आग मैंने 2.5 भाई आग मैंने से झूठ जरूर बोला है, लेकिन जो रिश्ता हमने आपसे जोड़ा था वो झूठा नहीं था। यकीन मानिए, जब तक हम इस घर में रहे, इस घर को अपना घर और आप लोगों को अपनी फैमिली मानिए। बल्लू जी, जो हमने किया वो गलत था, लेकिन हम लोग गलत नहीं है। बल्लू जी, ओ तेरे को पता नहीं स्वीटी, ये लोग एक नंबर के खोते हैं चारों के चारों। वो ठीक है, एक शर्त पे माफी मिलेगी। क्या? वो तुम लोगों ने जो नन्ना मेहमान का सपना दिखाया था ना, वो सपना पूरा करके दिखाना होगा। नहीं बल्लू जी, ये सपना कभी सच नहीं हो सकता। क्यों? अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। हैं? वही माँ नहीं बन सकता, बाप तो बन सकता है। तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे नहीं होंगे। क्या बात है? बस शादी तुम्हारा बाप करेगा। ओ जी बल्लू जी, हमने सोचा कि जब तक शादी होती है, In the meanwhile, क्यों ना आपके बच्चों वाला सपना ही पूरा करें। Everybody come on jump with me. Jump, 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 jump. Everybody come on move with me. चकले वे चकले ये जवानी मेरे यारा, एक बारी चाहे फिर ना आए ये दोबारा। मौजा ही मौजा कर ले, मस्ती का सौदा कर ले, करना क्या अब दुनिया से जाना वे आना वे। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling after. Jack and Jill, watch your feet going up that hill. Gonna give another sexy thrill. Lose the water, just put it down. Hear the sound. Something sa hota hai when I hold you, hold you, hold your hand.